एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू इंडियन फूड लैब एंड टुडे आई एम गोना शेयर माय मम रेसिपीज विद यू। तो आज की रेसिपी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज हम बनाएंगे पम्पकिन, मतलब पेठा कद्दू, कद्दू भी बोलते हैं कुछ लोग, कुछ भी समझ सकते हैं। रेसिपी बहुत टेस्टी है, डिलीशियस है, बिल्कुल नए तरीके से बनी हुई है और बिल्कुल खट्टी मीठी आप इंजॉय करने वाले हैं। और इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। आप सोच सकते हैं 21% जो है ये विटामिन सी कंटेन करता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए। तो ये बहुत हेल्दी डिश है और आप मेरी रेसिपीज़ अगर ट्राई कर रहे हैं और आप इंस्टाग्राम पे हैं तो टैग करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब, बेल बटन को प्रेस कीजिए और अपना प्यार ऐसे देते रहिए। और रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए पहले इंग्रेडिएंट देख लेते हैं आप और उसके बाद हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट देखते हैं। यहाँ पे मैंने 1 kg के अराउंड ऑफ जो है पेठा कट कर लिया है, ठीक है, रफली चॉप कर लेना है। उसके बाद एक मीडियम साइज का अनियन कट किया है। यहाँ हमारे कुछ खड़े मसाले हैं, मेथी दाना, जीरा और रेड वाली मिर्ची जो है, और तेजपत्ता, टर्मरिक, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, शक्कर, ऑप्शनल है गुड़ भी ले सकते हैं या फिर नॉर्मल पाउडर शुगर, चीनी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। उसके बाद हमने लेना है अमचूर पाउडर और गरम मसाला, ठीक है। और ये इंग्रेडिएंट है सीक्रेट, तो ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगी कि इंग्रेडिएंट हम क्या यूज करेंगे। तो बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया, ठीक है, उसको थोड़ा हीटअप होने देंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल यूज करेंगे, उससे ज्यादा टेस्टी बनता है। तो मैंने यहां सरसों का तेल जो है वो डाल दिया इसके अंदर, इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। सो ऑयल जो है गर्म हो गया अच्छे से। अब हम इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले हम मेथी और जीरा जो था 1 tablespoon, मतलब हाफ हाफ टेबल स्पून हमने लेना है और इसके अंदर डाल देना है। क्रैकलिंग की आवाज आने लग गई है, मतलब हमने रेड चिली डाल देनी है और तेजपत्ता भी, इनको अच्छे से सौते कर लेना है। तो ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हमने अनियन जो काट के रखा था ऐड करेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमने भूनना है। फ्लेम हमारा अभी मीडियम होगा तो फ्लेम मीडियम कर लेंगे। अभी हमने मसाला ऐड करना स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर डालेंगे 2 tablespoon ऐड कर दिया। देन 1 tablespoon जो है रेड चिली, हाफ टेबल स्पून टर्मरिक और मिक्स कर लेंगे, इसको भून लेंगे अच्छे से। फ्लेम मीडियम ही रखना है आपने, ज्यादा हाई फ्लेम नहीं करना है। और अब हम इसमें हाफ टेबल के अराउंड ऑफ जो है अमचूर पाउडर डालेंगे, ऑप्शनल है। अभी मैं इसके अंदर शक्कर भी ऐड करूंगी तो ज्यादा हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। अगर आपके पास शक्कर वगैरह या गुड़ वगैरह अवेलेबल नहीं है तो आप 1 tablespoon अमचूर पाउडर ऐड करें। इसको भून लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें 1 tablespoon सॉल्ट, फ्लेम लो कर देंगे, अच्छे से मसालों को भूनने देना है। अब हम इसके अंदर 1.5
हाफ टेबल स्पून शक्कर ऐड करेंगे, ठीक है। आप पाउडर शुगर या फिर अगर कुछ भी नहीं है तो अमचूर पाउडर, आप मैंने बताया 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। तो शक्कर इसको बैलेंस करेगी और ये बहुत खट्टा मीठा इसका जो है टेस्ट आएगा। बहुत ज्यादा अच्छी सब्जी लगती है खाने में और बिल्कुल क्विक। तो मैंने अभी बोला था आपको इंट्रो में कि मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज करने वाली हूँ, तो ये है वो आम का अचार। आम का अचार ऐड करेंगे हम इसके अंदर। इसका फ्लेवर बहुत ज्यादा अच्छा आता है। 2 स्लाइसेस मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ और बस ये रेडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपने पेठा जो हमने काट के रखा था, मिक्स कर लेंगे। और हल्का सा बिल्कुल 3-4-5 ड्रॉप जो है पानी बस इतना डाल देंगे इसके अंदर। अब हम इसको कर देंगे बंद। और ये हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। चलिए इसको बंद करके रख देते हैं, फ्लेम हाई कर देंगे और फिर देखते हैं। सो गाइस अभी इसके अंदर 3 सीटियां जो है आ चुकी हैं, तो मैंने फ्लेम बंद कर दिया। अब जो इसकी ये गैस है इसको खुद से नहीं निकालना है जब तक ये पूरी प्रॉपर नहीं निकलती है। निकलने के बाद हम इसको ओपन करेंगे और चेक करेंगे, ठीक है। अभी हमने इसको थोड़ी देर छोड़ देना है, तो विसल अराउंड 5-8 मिनट में इसमें आ जाती है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसको खोल के चेक करेंगे और सर्व करेंगे। सो गाइस अभी इसकी ये जो गैस थी अच्छे से निकल गई है, इसको हम खोलेंगे और चेक करते हैं इसको। देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, एक बार इसको पूरे को मैश कर लेना है अच्छे से। तो आप मैं इसमें इस तरह से कुछ मैश कर रही हूँ इसको प्रॉपरली। अच्छे से मैश कर लेना है। ये मैश हो गया अच्छे से, देखिए कितना ज्यादा बढ़िया बना है। तो अब इसकी सर्विंग कर लेते हैं। सो गाइस देखिए मेरी जो है प्लेट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। पेठे की सब्जी हमने डाल ली है, साथ में कर्ड, परोठा, आम का अचार, चॉकलेट्स और सैलेड। और अब पेठे के ऊपर लास्ट में गार्निश करेंगे थोड़ा सा देसी घी और थोड़ी सी हरी धनिया। और ये हमारी प्लेट बिल्कुल रेडी है। सो गाइस अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टे कनेक्टेड विद अस।